देसी कुकिंग शो में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। खाना खाने के बाद अक्सर हम सौंफ, पान, इलायची ये सारी चीज़ें मुखवास के तौर पर खाते हैं। इससे हमारा डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज मैं एक ऐसा ड्रिंक बनाने जा रही हूँ जिसको पीने के बाद आपको इनमें से किसी भी चीज़ को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके साथ ही ये आपकी स्वीट डिश की भी कमी को पूरा कर देगी। इसको बनाने के लिए मैंने पान के पत्ते लिए हैं। ये मेरे घर के ही पान है इसलिए साइज़ में थोड़े छोटे हैं, तो मैंने 10-12 पान के पत्ते ले लिए हैं। अगर आपके बड़े पान के पत्ते हैं तो आप 6-7 पान के पत्ते लें। और अब इनको जो ऊपर की तरफ डंठल रहता है उससे मैंने कैंची से काट दिया है। और अब इसको लेके इकट्ठा करके सारे पत्तों को मैं इसके टुकड़े कर लूँगी ताकि इसको ग्राइंडर में जब हम पीसें तो ये बहुत अच्छे से पीस जाएँ। इस तरीके से मैं इसको छोटा छोटा काट लिया है मैंने। और अब इसको एक मिक्सी जार में डालेंगे और उसके साथ ही इसमें कुछ और भी चीज़ें डालेंगे और फिर उन सबको मिला के पीसना है। अब मैंने ये 4 इलायची ली है, छोटी हरी इलायची है, इसके दाने निकाल के डाल दिए हैं, इसमें छिलका नहीं डाला है। और उसके साथ ही 1 टेबल स्पून सौंफ ली है, मोटी वाली सौंफ जो आती है मसाले वाली, उसको डाला है। और उसके साथ ही 2 टेबल स्पून नारियल का पाउडर डाला है। ये सारी चीज़ें उसके साथ ही 4-5 टुकड़े बर्फ़ के आइस क्यूब लिया है वो भी डाल के अब इन सब चीज़ों को पीस लेंगे। ये देखिए मैंने पीस के तैयार कर लिया है। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें और डालेंगे। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून चीनी ली है और उसके साथ ही 2 टेबल स्पून गुलकंद, जो पान में पड़ता है वो गुलकंद लिया है। ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम पान में इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ ही कुछ मैंने हरा कलर डाला है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। बस ये है, इसको डालने से कलर, जब हम ड्रिंक बनाएंगे तो उसका कलर बहुत अच्छा आएगा, ग्रीन कलर। अब ये देखिए मैंने सारी चीज़ें पीस ली हैं और पीस के तैयार कर ली हैं। बस अब आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है, ये बस आप बना के इसको फ्रिज में रख दें और जब ज़रूरत हो बनाने की तो उससे 2 चम्मच निकाल के इसमें डालें मिक्सी जार में। और उसके साथ ही चिल्ड दूध लिया है, चिल्ड दूध को डाल के इसमें, और उसके साथ ही या तो क्रीम हो या फिर आइसक्रीम हो इसको भी ज़रूर डालें, इससे टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मैंने 2 स्कूप इसमें वनीला आइसक्रीम डाली है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे, चर्न कर लेंगे। और बस ये देखिए तैयार हो गया आपका पान शॉट, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग। और इसको ऊपर से मैंने नारियल का बुरादा और थोड़े से पिस्ता से डेकोरेट कर दिया है। बस इस तरीके से आप ठंडा ठंडा सर्व करें खाने के बाद, बहुत ही ताजगी भरा ड्रिंक है ये, एक बार बना के देखें, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी।